So it's been third day in Delhi. It's been continuously raining and it becomes very very difficult to make videos or anything, especially in winters. बस चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या हो विंटर्स, कुछ भी हो, वीडियोस तो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, क्योंकि अब तक का जो आपने सपोर्ट दिखाया है वो इमेंस था एंड उसको मैं यहाँ से बयान नहीं कर सकता, इसलिए ये आज की वीडियो बनाई है। एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वेलकम टू माय न्यू वीडियो, द क्यू एंड ए वीडियो, एंड दिस विल बी अ काइंड ऑफ व्लॉग वीडियो जिसको आप एंजॉय करना। आज की वीडियो को हम शिफ्ट कर देंगे थ्री पार्ट्स के अंदर, दैट इज माई पर्सनल लाइफ, माई करियर लाइफ एंड ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू मोटो। मोटो मीन्स रॉयल एनफील्ड, जावा, हेलमेट, एक्सेसरीज, साइलेंसर्स, मतलब इन सब का एक अलग क्वेश्चन बैंक रखा है जहाँ पर आप सबको बहुत ज़्यादा डाउट। एंड आई ऑल्सो विश दैट आप सब ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे एंड आप सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपने सवाल पोस्ट किया हो और मैंने उसका जवाब ना दिया हो, लेकिन इसका रीजन ये है कि मैं उसका सवाल ऑलरेडी कमेंट सेक्शन के अंदर दे चुका हूँ। एंड गाइस, आई ऑल्सो वांट टू से कि वीडियो के बीच के अंदर कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिनमें मुझे आप सबकी जरूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, मैं वो सवाल पूछूंगा एंड मैं कहूंगा कि गाइस आप खुद उस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दें। अगर मैं कोई क्वेश्चन डालता हूँ और उसको पिन कर देता हूँ तो फिर लोगों को उसका जवाब मिल जाए, तो आप उन कमेंट्स का रिप्लाई जरूर देना वीडियो के बाद। लाइक ट्रू लव, इट इज ऑलवेज बोथ साइडेड, सो ऐसे ही सेम मेरे इंपैक्ट होता है यूट्यूब वीडियोस के ऊपर। ग्रेट यूट्यूब वीडियोस आर ऑलवेज बोथ साइडेड। मैं अपनी तरफ से पूरा जोर देता हूँ एंड आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के मुझे फीडबैक देते हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू ऑल। अगर मैं आज जो भी हूँ, मुझे अगर आज 10 लोग भी जानते हैं आप में से, वो सब आपके सपोर्ट से हैं एंड वो सब आपके प्यार से। आई थैंक यू ऑल एंड आई लव यू ऑल, माई 5000 फैमिली ऑफ आई ध्रुव। अगर नए हो इस वीडियो के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि वीडियोस का जो कंटेंट है वो दमदार लेकर आ रहा हूँ। सो फ्यू डेज बैक आई आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट, आस्क मी अ क्वेश्चन, क्यू एंड ए वीडियो टुमारो, एंड सबको जवाब मिलेगा एंड मेनी ऑफ यू ड्रॉप द क्वेश्चन, जो आपके डाउट्स थे वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे एंड कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाली बात हो जाएगी। सो लेट्स कम टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज माय। सो टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, माय नेम इज ध्रुव, आई लिव इन दिल्ली, माय एज इज 22 एंड करंटली आई एम परस्यूइंग एमसीए इन माय फर्स्ट ईयर, क्योंकि बीसीए जो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है 3 इयर्स कोर्स होता है। आफ्टर माय 12th आई डिड दैट इन न्यू दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी, यू ऑल मस्ट बी नोइंग आईपी यूनिवर्सिटी इज क्वाइट फेमस इन न्यू दिल्ली, एंड देन जो बाकी काम है वो सारे होते रहे। ये थी मेरी पर्सनल लाइफ एंड जो क्वालिफिकेशन की बात है। सेकंड चीज जो क्वेश्चन था दैट वाज व्हाई आई YouTube. Many of you people told that in a very short span of time I made good videos and good outcome. ये ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अच्छी videos का आने का मतलब ये था that I was used to the camera, I was used to gears, I was used to creating videos. 2019 में मैंने first video डाली थी। I want the quality to be perfect. So that was all about my personal life. जितना मैं बता सकता था that I have told you all guys. So बाकी आपको जितना जानना है आप आ जाओ मेरे Instagram के ऊपर एंड वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि जितना बम कंटेंट मैं यहाँ देने की कोशिश करता हूँ ना, उतना ही हाई क्वालिटी कंटेंट मैंने वहाँ पर रिजर्व करके रखा है आप लोगों के लिए। गो एंड एंजॉय द रील्स। एंड अब यहाँ पर आ जाती है हमारे करियर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं करना क्या चाहता हूँ, ऑप्शन ऑफ करियर। इसके अंदर मिस्टर मैट्रिक्स पूछते हैं दैट जिंदगी का क्या मकसद। जिंदगी का देखो मकसद ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं अपनी लाइफ जीता हूँ या कुछ भी करता हूँ उसके अंदर पॉजिटिव रहना इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ। सेकेंडली जो चीज़ आती है दैट आई एम परस्यूइंग कंप्यूटर्स BCA एंड देन MCA, दैट इज़ द मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग एनवायरनमेंट हो जाता है अदर देन ब्लॉगिंग। क्वालिफिकेशन वाला जो फैक्टर है उसके अंदर मैं एक्सेल कर रहा हूँ, नो डाउट आई एम डूइंग बैड देयर, मैं वहाँ पर कोई फ्लंक नहीं हो रहा ना कुछ हो रहा है, लेकिन इस फील्ड पर जब मैं एक बार आ चुका हूँ हाथ मारने तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अचीव करके ही जाऊँगा। फिलहाल तो ये है, ज़्यादा आगे की मैं सोचता नहीं हूँ, बस इतना ही रखते हैं इसको। को भी अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आज सोच रहे हो तो कल की सोच, कल सोचोगे तो परसों भी सोचना, इससे ज्यादा आगे मत ले जाओ अपना फील्ड ऑफ विजन। लेट्स कम टुवर्ड्स अ सेकंड क्वेश्चन इन हैंड। फिलहाल तो बस इतना ही है, तो छोटा करते जाएंगे एंड लार्ज बना जाएंगे एज यू ऑल नो। नाउ व्हेन आई कम टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन दैट इज पीपी रोस्ट्स। आज के भाई जब आपने यूट्यूब शुरू किया था तब आपके व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा नहीं थे, तो हाउ यू केम ओवर इट। देखो अगर आप में से स्पेशली द क्रिएटर्स आप में से कोई भी वीडियो बनाते हैं, मेरा जो स्टार्टिंग फेज था काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था एंड अभी तो मैं कहीं भी नहीं पहुँचा हूँ। लोग अगर आज एक वीडियो डालते हैं तो उससे उनके 10,000 सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, मेरे तो बहुत कम आते हैं फिर भी, क्योंकि इट्स अ स्टार्टिंग फेज। आई नो द स्टार्टिंग फेज इज ऑलवेज डिफिकल्ट, कहीं ना कहीं सपास हो जाएगा, देर इज नो पॉइंट विशिंग फॉर मोर सब्सक्राइबर्स, आ जाए क्यों नहीं आ रहे, जस्ट डू योर गुड वर्क। टाइम तो सबका ही आता है, आपका भी आएगा। अगर आज चैनल पर 5,000 लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं यार, 5,000 सब्सक्राइबर्स पे बैठकर 1,000,000 के सपने नहीं देख सकता, क्योंकि मेहनत लगती है। मेहनत करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट लगेगा, हो जाएगा जो होना चाहेगा, क्योंकि इसके अंदर डिसअपॉइंट कभी मत होना अगर आप एक क्रिएटर हैं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बताना चाहूंगा,
क्योंकि क्वालिटी में मेहनत लगती है और टाइम लगता है, और क्वालिटी वाला कंटेंट ना स्प्रेड आराम से नहीं होता। चेंज लाना जरूरी होता है, चेंज लाएंगे तभी ही आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन आई गेट इज व्हाई आई सो मच इन्वेस्ट इन माय गैजेट्स और इन माय पीसी कंप्यूटर हैंड हेल्ड थिंग्स सच एज दिस GoPro व्हिच इज केप्ट ओवर हियर। GoPro रखा हुआ है, दिस इज अ कंप्यूटर बिल्ड दैट इज अ लैपटॉप, एंड इसके पीछे ये मैं अभी DSLR से व्लॉग कर रहा हूँ। जब मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करता हूँ कि एक फोन से स्टार्ट करो, देन व्हाई आई एम बीइंग हिपोक्रेट एंड स्टार्टिंग विद अ DSLR एंड विद अ सो हैवी सेटअप, इसलिए क्योंकि आई ऑलरेडी हैड DSLR द माइक एंड द ट्राईपॉड, सो इन तीनों को कॉम्बिनेशन मेरे पास पहले से ही था, सो देर वॉज नो सच इन्वेस्टमेंट नीडेड टू स्टार्ट। क्वालिटी जब आप फोन से बनाते हो और उसको रेंडर करते हो, कहीं ना कहीं वो हो जाती है कॉम्प्रोमाइज। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द एंड्रॉयड iOS विंडोज स्मार्ट टी वी एंड मैकिंटोश यूजर्स आर देयर। You can see that smart TV users are there 0.5%, which is 844 views approximately I got from smart TV users, that people do watch my vlogs on TV. इससे फर्क ये पड़ता है that I need to increase in quality ताकि आप TV में भी vlog देख सको। I suppose I always render my videos in 4K, जो GoPro से 4K and my phone से 4K videos shoot होती हैं, वो सारी की सारी 4K में render भी होती हैं। As the time will go, as the time will come, I will also upgrade my camera to 4K. So I hope आपको मेरी personal life and जो करियर लाइफ है वो पसंद आ गई हो। नहीं कर रहा हूँ, सो जो अर्निंग का क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल भी मत पूछना। सो व्हाट वी विल डू नाउ, जो रिमेनिंग मोटो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ तो बैठकर दिए नहीं जा सकते। बाइक के क्वेश्चंस हैं, गाड़ी के क्वेश्चंस हैं, वो तो भैया वहीं जाके देने पड़ेंगे, तभी बाइक नहीं निकालना जाता। जब खड़ी गाड़ी का ये हाल हो सकता है तो बाइक का क्या हो सकता है, खुद सोचो। From past 2 days I was thinking about to take out my bike. बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, और मैं उस चीज़ को ना बिल्कुल भी बारिश में नहीं ले जाना चाहता था। So आप में से काफ़ियों को नहीं पता होगा, लेकिन ये जो कार है, this is Tata Nexon 2019 model, and इसके ऊपर ही मैंने अभी YouTube की शुरुआत करी थी for giving the review and kind of modifications video in this. So इसी के चक्कर में मेरी शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं। अब इसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो आएंगी। आई होप ऑल द बाइकिंग कम्युनिटी विल एंजॉय दिस वीडियो, स्पेशली द बताऊंगा वो भी। दिस इज अ सरप्राइज दैट्स कमिंग अहेड। स्पोर्ट ड्राइव मोड इज एक्टिवेटेड। क्या होता है ना, काफ़ी टाइम तक गाड़ी खड़ी होती है तो हल्का सा इसको चला लेना चाहिए, क्योंकि तो इसके अंदर फिर रस्टिंग की प्रॉब्लम, काफ़ी सारी चीज़ों की प्रॉब्लम। आपने जिस एरिया में मेरी गाड़ी खड़ी हुई देखी है वहाँ पर कई सारी दिक्कतें आती है, लाइक Rodents. So the first question comes in lines from Vikas Salvi ji. उन्होंने कहा है कि ब्रो साइलेंसर चेंज करो एंड उस पर थोड़ी सी वीडियो बनाओ। देखो साइलेंसर चेंज करना आज की डेट में उतना ही इलीगल है जितना, लेकिन हम साइलेंसर चेंज नहीं करवा सकते क्योंकि दिल्ली के अंदर इसके ऊपर हैवी चलांस हैं एंड आप सबको पता होगा कि इसके ऊपर मोटा मोटा खर्चा है, जिसके चक्कर में हमारी गाड़ी या तो सीज हो सकती है या फिर हमारी कि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको एक साथ जवाब दे देना चाहता हूँ। हेलमेट कहाँ से खरीदा ब्रो, एंड प्रोवाइड मी द लिंक। ये लो, हेलमेट जो था वो एक नॉर्मल एंड सिंपल हेलमेट था जिसके अंदर और सिर्फ उसको टेप किया था, मैं एक टेप लेकर आया था एंड उसको सिर्फ टेप किया, एंड दैट वाज ऑल। गेमिंग व्यूअर इज आस्किंग व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट जावा 42, अर्शदीप सिंह। सो अर्शदीप जी एंड एवरीवन हु हैज अ डाउट अबाउट बाइंग अ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एंड अ जावा 42, मुझे लगता है कि क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक और जावा 42 में से क्लासिक 350 जीत जाएगी बिकॉज ऑफ अलॉय व्हील्स एंड द कलर्स, क्योंकि जावा के अंदर जो बाइक मुझे पसंद आती है वो है जावा पराग। जावा पराग के अलावा मुझे और कोई बाइक जावा के अंदर पसंद नहीं आई, एंड दैट इज 2 सिंगल सीट बाइक। उसके चांसेस कम है कि लेंगे, बट ऑब्वियसली आई विल मेक अ कंप्लीट रिव्यू वीडियो अबाउट जावा एंड क्लासिक 350 कंपैरिजन एंड एवरीथिंग। सो वेट टिल तक ही धमाकेदार वीडियो नहीं आ जाती जावा एंड इसके कंपैरिजन को लेकर, तब तक थोड़ा सा वेट करो, नहीं तो और रिव्यूज वगैरह देखो। टेस्ट राइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज फॉर श्योर कि जावा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से तेज भागती है। दिस इज अ पॉइंट, इस पे मैं मना नहीं करूंगा बिकॉज वेट उसका काफी कम है एंड उसकी सीसी कम है। अभी आप समझ चुके होंगे जावा को लेकर मेरे इतने ही व्यूज हैं, जब तक मैं उस बाइक को नहीं चलाऊंगा मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकता। एज यू ऑल नो,
अगर आपको अपनी बाइक के अंदर हाइट के इशू हो रहा है या फिर कुछ इशू हो रहा है, आप कह रहे हो कि भैया क्या मैं इतनी हाइट का हूँ, क्या मैं वो बाइक पे बैठ सकता हूँ, इट्स बेटर टू टेक अ टेस्ट राइड एंड गो टू द शोरूम एंड ट्राई एवरीथिंग आउट दैट यू नीड, क्योंकि इस चीज़ का जवाब कोई नहीं दे सकता कि आपकी हाइट कितनी है और आपको कौन सी बाइक सूट करेगी। नाउ राम शर्मा इज आस्किंग अबाउट बुलेट कैसे लिया आपने। गाइज एवरी वन ऑफ यू नो दैट द डे वी टुक अ डिलीवरी ऑफ अ बाइक माय फादर वेंट विद मी, जरूर से हम अपनी बाइक लेंगे एंड फर्ज बनता है कि ये जो अगली बाइक या अगली कार हमारी गाड़ी घर के अंदर आएगी वो होगी सेल्फ अर्न्ड बाय। एंड धीरे जैसे जैसे हमारी ब्लॉग्स एंड सारी की सारी वीडियोस आगे बढ़ती रहेंगी, मैं आपको बताता जाऊंगी दैट व्हाट इज माय ड्रीम गो एंड मैं क्या लेना चाहता हूं, क्या मेरी पसंद है ना पसंद है। सो इफ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। वासुदेव इज आस्किंग अबाउट क्लासिक 350 क्रोम कैसा रहेगा एंड हाउ टू मेंटेन क्रोम। क्रोम का एक सिंपल फंडा है, जब तक आप उसे साफ रखोगे तब तक वो मेंटेन रहेगा, दैट इज क्वाइट सिंपल। क्रोम में आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है, शाइन की प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि क्रोम इज बिल्ड फॉर शाइन, देन यूज जस्ट क्रोम पाउडर टू वाइप इट। ना क्रोम पाउडर में आपको पानी मिलाना है ना कोई केमिकल मिलाना है, जस्ट टेक क्रोम पाउडर, जस्ट टेक अ क्लॉथ एंड क्लॉथ। देवराज रॉय इज आस्किंग विच वन इज गोइंग टू बी द बेस्ट क्लासिक 350 बुलेट 350। क्लासिक 350 एंड बुलेट 350 के अंदर मेन डिफरेंस आ जाता है उनकी बॉडी शेल का, उनके इंजन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, दोनों एकदम सेम इंजन यूज कर रहे हैं एंड दोनों सेम रीशेपिंग एंड मैपिंग यूज कर रहे हैं। माइलेज एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टाइल यू ड्राइव, यू शिफ्ट द गियर्स एंड यू रेव द इंजन, क्योंकि उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे आप कोई भी यूज करो। एंड अब आ रहा है FI सिस्टम, तो कार्बोरेटर सिस्टम का कोई भी मतलब नहीं है, अगर सब एक जैसी बाइक चलाएंगे तो सबकी माइलेज एक जैसी आएगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे याद है जो मेरी प्रीवियस वीडियो से आए हैं, या मेरी माइलेज आ रही है वो मेरी नॉर्मल के साथ आ रही है 25-30 अप्रॉक्स, और इसकी जो काफी लोग पूछ रहे थे कि भैया इसकी लाइट कब जलती है, दैट व्हेन द लाइट ग्लोज ऑन, या जब तक इसका 4 लीटर फ्यूल बच जाएगा ना तब ये जल जाएगी अपने आप। इससे बढ़िया तो नहीं देते, इससे बढ़िया तो रिजर्व वाला सिस्टम था जब हमारी बाइक के अंदर 2 लीटर या 2.5 लीटर का रिजर्व पॉइंट होता था। शिवम टेकटॉक्स इज आस्किंग फ्रॉम लास्ट 1 month की भैया मेरी RC कब आएगी, दैट व्हेन विल माय RC अराइव। RC का जो डिलीवरी पीरियड है दैट वाज फॉर माय बाइक दैट वाज 50 डेज। आई ऑल्सो थॉट कि मेरी भी RC डिलीवर नहीं हुई है या फिर कहां चली गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी RC नहीं आएगी, जस्ट वेट फॉर इट एंड योर RC विल गेट डिलीवर्ड। मतलब ये है कि आपकी अगर बाइक में से इफ यू आर ड्राइविंग योर बाइक एंड सडनली यू अप्लाई योर ब्रेक्स, द रेयर ब्रेक्स पीछे स्पेशली आपकी डिस्क ब्रेक है, ड्रम में से हम ऐसी आवाज सुन सकते हैं, उसमें से आ सकती है ड्रम क्लीन होने पर वो चली जाएगी, पर पीछे वाली ब्रेक में से आपकी चिचे चिचे जो आवाज आ रही है, जो रुकने की स्क्वीजिंग साउंड आ रही है, वो उसको रुकने का फिलहाल तो मुझे खुद नहीं मिलेगा क्योंकि द सर्विस सेंटर गाय टोल्ड यू ब्रेक्स आर एब्सोल्युटली फाइन, योर डिस्क इज एब्सोल्युटली फाइन, उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि यार ये आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए बिकॉज इट्स अ न्यू बाइक। उन्होंने कहा कि दिस इज द साउंड ऑफ योर ABS दैट किक्स इन ऑन सेव्स। मैंने कहा ABS तो तब चालू होता है व्हेन वी हिट ब्रेक्स क्वाइट तेज, मतलब इन केस ऑफ एन इमरजेंसी वी किक ब्रेक्स वेरी हाई एंड देन ABS किक्स इन। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज द बाइक नॉइज, एक्चुअली दे ऑल्सो डोंट नो। सो अगर आपकी बाइक में से ऐसी चुचू चुचू आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करो, नहीं तो आप भी अपने ब्रेक पैड साफ करवा सकते हो, उससे फर्क पड़ सकता है। अगर पर सेल के हिसाब से मुझे कुछ मिलना होता ना तो आज की डेट में मैं अपनी एक और रॉयल एनफील्ड लेकर आ जाता। तो माई ब्रदर धनुष इज आस्किंग हियर, ध्रुव भाई आपको देखकर मैंने भी स्टेल ब्लैक बुक करी है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन PPF वर्सेस सेमरामिक, ये सारी वीडियो आने वाली है आगे। आई विल एक्सप्लेन टू माई डेप्थ, मैं अपने दिल तक उस बात को ले जा चुका हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करके रहूँगा एंड आपको भी पता चल जाए कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। आकाश आचार्य इज आस्किंग अबाउट बाइक का सर्विस एक्सपीरियंस बताओ। गाइज प्लीज़ आपने सर्विस एक्सपीरियंस देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देखो, दैट इज़ अबाउट द क्लासिक 350 सर्विस ऑन 500 किलोमीटर्स। वो मेरी 600 पर हुई थी, है वो ओकेजनली 500 किलोमीटर वाली सर्विस ही, सो वो वाली वीडियो जाकर देखो एंड डू कमेंट। ओके इस वीडियो पर भी कमेंट करना। मैं ये भी कहना चाहूँगा आप में से जो लोग अपनी बाइक ओन करते हैं बस एक चीज़ कर दो मेरे कहने पर, अपनी बाइक का नाम एंड हाउ वाज योर सर्विस एक्सपीरियंस एंड द किलोमीटर्स यू हैव रिडन ऑन, वो सारी चीज़ें कमेंट में डाल के लिख दो। सच एज आई एम राइडिंग रॉयल एनफील्ड, आई विल राइड रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 800 किलोमीटर्स, superb experience, no problem. And if you're having any problem in that, you just state down below that this is the good point, this is the bad points. If you have time below, and aapke liye time hoga hi hoga, kar do. The biggest question of the time and the most important one. If you are wanna go for Royal Enfield this month or the February, kyunki abhi February tak ki uski wo mil rahi hai.
अगर आपको रॉयल एनफील्ड ही लेनी है एंड इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर मैट ब्लैक, सो आई वुड सजेस्ट दैट 2021 मॉडल जल्दी लॉन्च होने वाला है एंड उसकी एक क्रूजर बाइक भी आने वाली है। फ्यूचर रेट्स के बारे में मैं इस चैनल पे बात बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि दैट आर नॉट प्रिटी श्योर, वो सिर्फ एक तुक्के होते हैं, ज्यादा उससे कुछ नहीं होता, दैट आर नॉट ब्रीफ थिंग। गाइस अगर आपको बाइक लेनी है एंड आगे आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट दैट वेट फॉर 2021 मॉडल, अभी मत लो। मैंने ली थी अक्टूबर में, दैट वॉज अ डिफरेंट टाइम एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइम, क्योंकि अब जो है ना उसकी प्रोडक्शन बंद, ऐसा कह रहे हैं कि उसकी प्रोडक्शन आगे बंद हो जाएगी एंड वेरी सून दिस दैट वुड बी आउट ऑफ डेट। जो नया मॉडल आएगा उसकी कीमत अच्छी होगी एंड ज़्यादा कोई महंगी नहीं होगी क्योंकि BS6 में ट्रांसफॉर्म हुई थी बाइक अभी, एंड रिफाइनमेंट वाला मॉडल आएगा आगे जाकर, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक BS, जब BS4 लॉन्च हुआ था उसकी जो बाइक्स थी उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी BS4 के बाद जब उसका सेकेंड जनरेशन मॉडल आया था ना, जिसमें इम्प्रूवमेंट्स आती हैं दैट आर गुड, एक्चुअली गुड। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी बाइक की डिलीवरी फेब्रवरी या मार्च में आ रही है तो बेटर गो फॉर द 2021 क्लासिक 350। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कलर्स, आपको मैट ब्लैक चाहिए तो आप ये इसमें ही जा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर इफ यू वांट टू गो एनी रॉयल एनफील्ड सो गो फॉर द 2021 मॉडल। PPF है ही नहीं मेरे एरिया में, कहाँ से कराएं? देयर आर मेनी पीपल हु आर हैविंग नो PPF, नो सिरेमिक कोटिंग और दीज काइंड ऑफ केयर सर्विसेज इन देयर एरिया। इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको अपनी बाइक का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको साफ रखना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपको उसके ऊपर कवर लगाना पड़ेगा एंड माइक्रोफाइबर यूज़ करो एंड उसको दूर रखो उन लोगों से जो आपके पेंट को स्क्रैच कर करके देखते हैं। इतना कर लो, योर बाइक वुड बी एब्सोल्युटली सेफ। अभिषेक तंबारे इज सेइंग दैट मैंने सिरामिक कोटिंग करवा ली, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिरामिक कोटिंग आपने करवा ली है तो उसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी बाइक की केयर करिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप पॉलिश मत यूज करो, आप सिरामिक कोटिंग मत करवाओ एंड आप ऐसी चीज़ें मत करवाओ जो आपकी बाइक को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट तो नहीं करती पर आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस में ज़रूर काम आती है। ये सारी चीज़ें करवा लो, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, पर कंडीशंस अप्लाई। अगर आप एक ख़राब एरिया में रहते हो तो आपको अपनी बाइक के ऊपर PPF करवा लेनी चाहिए, दैट्स माय सजेशन। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो पसंद आई Q&A फॉर्म के अंदर तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ सब। सो दिस इज़ अ क्वाइट एंड फॉर Q&A। अगर आपको कोई मोटी सी चीज़ लग रही हो, मेरी पॉकेट में मेरा वॉलेट आगे रखा हुआ था तो इसको इग्नोर कर देना, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड जो मैंने आपको बोला है कि अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपकी बाइक का जो रिव्यू है वो देना हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, दैट वुड बी ग्रेट। नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो एंड लीव दिस ब्यूटीफुल एंड पीसफुल एरिया। आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। द PPF वर्सेस सिरामिक कोट, दैट इज़ अ हाईली डिमांडेड वीडियो फॉर यू ऑल विच इज़ क्रिएटिंग अ बिग कन्फ्यूजन, उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में विद सम मेजर प्रूफ्स। सो बाय बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू। बोलते बोलते गला सूख चुका है क्योंकि खराश से आपको पता चल रहा होगा। बी यू, क्रिएट न्यू वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram। Instagram पर फॉलो करो जाकर, थोड़े से वहाँ पर भी कंटेंट प्यार करो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ। जो लेवल का कंटेंट मैंने यहाँ प्रोवाइड किया आप लोगों को, उस लेवल का कंटेंट वहाँ पर भी है, सो डोंट मिस ऑन दैट। बाय बाय।